हेलो दोस्तों, हर कॉमर्स स्टूडेंट का एक सपना है कि मैं कैसे सीए बन जाऊं। उसके माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी किस तरह से एक बार में सीए बन जाए। ये बिल्कुल मुमकिन है अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है। ये प्लानिंग शुरू होती है राइट फ्रॉम यू एंट्री इनटू सीए, दैट इज सीए फाउंडेशन। हालांकि सीए में एंट्री लेने के दो रूट हैं, एक फाउंडेशन रूट और दूसरा डायरेक्ट एंट्री रूट। हम आपसे आज इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से सीए फाउंडेशन की प्लानिंग की जा सकती है। आइए समझते हैं। हाय, मैं आपका दोस्त मेंटर सीए सतीश जलान। 13 साल से मैं सीए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं और ये हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे मैं कंटिन्यूसली सीए जर्नी और बेटर कैसे हो जाए हमारे स्टूडेंट्स की, उसके लिए वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यही नहीं, कमेंट में मुझे बताना ना भूलें कि आप मुझसे अगला कौन सा सवाल का जवाब चाहते हैं या फिर कौन से टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। फ्रेंड्स, सीए बनना बहुत ही आसान हो सकता है अगर शुरुआत से आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रक्चर्ड हो और आपको सब कुछ अपने जर्नी के बारे में पता हो। एक बहुत ही फेमस सेइंग है, इफ यू फेल टू प्लान यू आर डेफिनेटली प्लानिंग टू फेल। सारा खेल प्लान से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपको अभी 6 बातों में बताऊंगा कि पूरे सीए फाउंडेशन को किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। एक बार ओवरव्यू में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सीए फाउंडेशन एग्जाम टर्म कब कब होते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन कब तक करा लेनी पड़ती है। सेकंड नंबर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। थर्ड मैं आपको बताऊंगा इसके एग्ज़ाम पेपर के पैटर्न क्या हैं। फोर्थ मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे फाउंडेशन को पढ़ने के लिए कितना समय हमें देना पड़ता है, टाइम रिक्वायर्ड। फिफ्थ मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब शुरू कर देना चाहिए और शुरू करने के बाद कैसे उसको ब्रेक डाउन करके पढ़ना चाहिए। और लास्ट आपके एक सवाल का जवाब दूंगा कि क्या आप अपने से भी बिना किसी कोचिंग की मदद से सीए फाउंडेशन पास कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं डिटेल में एक एक करके। सबसे पहला आता है कि सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम टर्म क्या है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन कब तक कराना पड़ता है। सबसे पहले, फाउंडेशन की एग्ज़ाम साल में 2 बार सीए इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराती है। एक एग्ज़ाम मई में होता है और एक एग्ज़ाम नवंबर में होता है, साल में 2 बार, ठीक है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने का रूल है कि आप आफ्टर क्लास 10 कभी भी, बट अगर आपको मई में एग्ज़ाम देना है तो 1 जनवरी के पहले पहले, और अगर आपको नवंबर में एग्ज़ाम देना है तो 1 जुलाई के पहले पहले आपको सीए इंस्टीट्यूट में जाके फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करा लेना है। इस पर्पज़ के लिए सीए इंस्टीट्यूट आपसे 9,000 रुपये फीस चार्ज करता है। और एग्ज़ाम जब देने जाते हैं ना, जैसे कि आपको मई में एग्ज़ाम देना है या नवंबर में देना है, तो उसके 2 महीने पहले इंस्टीट्यूट से एक एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है जिसको आपको भरना पड़ता है, जिसके समय इंस्टीट्यूट फिर आपसे 1500 रुपीज़ चार्ज करता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका सीए फाउंडेशन का कितना हो गया, 10,500 सिर्फ। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट्स आपको क्या क्या सीए फाउंडेशन के लिए तैयार करने पड़ते हैं। ऑर्डर में बताऊं, जैसे इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 अकाउंट्स का होता है, पेपर 2 लॉ का होता है, उसके साथ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग भी आपको पढ़ना पड़ता है। थर्ड
मैथमेटिक्स होता है, फोर्थ इकोनॉमिक्स होता है, जिसके साथ आपको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज भी एक पोर्शन है वो पढ़ना पड़ता है। कुल मिला के सिर्फ 4 पेपर। ऑल राइट, थर्ड मैं आपको बताऊं कि इस चारों सब्जेक्ट के एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा है। पेपर पैटर्न पहला 2 सब्जेक्ट यानी अकाउंट्स और लॉ का सब्जेक्टिव है यानी कि लिखना पड़ेगा, और मैथ्स और इको का ऑब्जेक्टिव है यानी कि टिक मारना पड़ेगा। क्रिटिकल बात यह है कि ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब अगर कुछ भी गलत आंसर किया तो 0.25 कट जाएगा। तो उसके लिए स्ट्रेटजी बहुत सिंपल होती है कि भैया जितना आता है उतना ही करेंगे, अननेसेसरी ABCD नहीं खेलेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर जो होती हैं यानी ये इकोनॉमिक्स और मैथ्स की, इसमें एक समस्या ये भी है कि ये जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं ना, इसके आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट के, बट ये ऑब्जेक्टिव वालों के इन जनरल इंस्टीट्यूट के साइट पर आपको पास पेपर्स नहीं दिए जाते हैं। तो बहुत बार गेस वर्क से अनुमान लगाया जाता है कि ये क्वेश्चन इस पेपर में आया होगा। खैर, अगर आप अच्छे से कंसेप्चुअली प्रिपेयर करते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, मैं आपको 2 रास्ते बता रहा हूँ। पहला रास्ता है कि आप क्लास 12 में हो, जुलाई में क्लास 12 के साथ साथ CA फाउंडेशन स्टार्ट कर दीजिए। जुलाई से दिसंबर में पूरा CA फाउंडेशन को ख़त्म कर दीजिए। 500 घंटे का कोर्स, 6 महीना, दैट इज 500 आवर्स डिवाइडेड बाय 180, ओनली दैट मच टाइम पर डे इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज इजिली पॉसिबल फॉर यू टू गिव अलॉन्ग विथ योर क्लास 12। दिसंबर में आके रुको, जैन फेब और मार्च अपने क्लास 12 को इम्पोर्टेंस दे दो, और फिर अप्रैल में वापस CA फाउंडेशन को उठाओ, रिविजन करो जो आपने पहले पढ़ा, मई में जाके एग्जाम दे दो। ऐसा करने से आप 6 महीने पहले बाकियों के मुकाबले CA बन सकते हैं, क्योंकि आपने क्लास 12 के साथ साथ स्टार्ट कर दिया था। दूसरा ऑप्शन है कि आप क्लास 12 के बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 12 के बाद स्टार्ट करना है अगर इमीडिएट नेक्स्ट टर्म विच इज नवंबर में अगर एग्जाम देना है, तो 1 जुलाई के पहले पहले CA इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करा देना, और आप 1 अप्रैल से ही फिर पिकअप कर लो कि आपको अब CA की तैयारी करनी है। 500 घंटे का कोर्स है, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, कोशिश करके 5 महीने में कोर्स को ख़त्म करिए, और सितंबर, अक्टूबर हाथ में रखिए रिवीजन करने के लिए। थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करना है, इन बिटवीन आपके कॉलेज वॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो कॉलेज वॉलेज पे भी थोड़ा समय जो लगेगा वो लग जाएगा, बट आपका प्लानिंग क्या रहेगा कि उस 500 घंटे के कोर्स को आपको एग्ज़ाम के 2 महीने पहले ख़त्म कर लेना है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो ध्यान रखेंगे, फर्स्ट स्टेज में हर सब्जेक्ट का सारा कॉन्सेप्ट्स जो इंस्टीट्यूट के सिलेबस में सब करना है, एंड उस इंस्टीट्यूट मैट के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपको बनाने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करना है, ये फर्स्ट स्टेज की पढ़ाई जो उस 500 घंटे की पढ़ाई है। सेकेंड स्टेज में जब आप रिविजन कर रहे हैं तो रिविजन करते वक्त आपको इंस्टीट्यूट के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सारे सॉल्व करने हैं, एंड इट इज़ एज सिमिलर एज द वे यू स्टडी फॉर क्लास 12। आप जैसे बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं वैसे ही इसके लिए भी पढ़ना पड़ता है कि क्लासेस सारी हो गई, कंसेप्ट सारा समझ लिया, अब पेपर सॉल्व करने हैं। जितने पेपर सॉल्व करते हैं उतना हमारा माइंड शार्प होता है और उतने हम एग्जाम पैटर्न से रूबरू हो पाते हैं। राइट, नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या मैं अपने आप पढ़कर CA फाउंडेशन भी पास कर सकता हूं? कैन आई पास विथ सेल्फ स्टडी? जी हाँ, बिल्कुल। आज के इस डिजिटल युग में तो ये बहुत ज्यादा मुमकिन है। ठीक है, कैसे मुमकिन है सर? देखिए, ऑनलाइन वर्ल्ड आ गया है, यूट्यूब जिंदाबाद है, यहां पर आप सर्च करिए कोई भी टॉपिक जो भी आपको समझना है, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा समय चला जाता है कि किसका वीडियो मैं देखूं,
किसका वीडियो से मैं पढ़ूं, कौन से इंस्टीट्यूट का है, कौन से सर का वीडियो से मैं पढ़ूं, इसको खोजने में वक्त एक बार लगेगा, बट एक बार जिसके साथ आप सेट हो जाएं, आप उनके पूरे वीडियोस को देखिए, और अगर कोई टॉपिक वहाँ से भी ना समझ में आए तो उस टॉपिक के दूसरे सर के वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। और एक ही बस धर्म अपना बना लीजिए कि मुझे इंस्टीट्यूट मैट का सब कुछ रीड करना है, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज, बुक बाय बुक, जितना इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया मुझे सब रीड करना है। और उससे रिलेटेड अगर क्वेरीज आपकी आती हैं तो जो भी आपके दोस्त हैं जो सीए कर रहे हैं आप उनसे बेझिझक पूछ सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। बहुत सारे आजकल टेलीग्राम में चैनल्स हैं जो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं, जिसमें आप जुड़ जाइए और क्वेरी पूछिए, वहाँ पे आपको आपके फ्रेंड्स यानी सीनियर्स जो सीए कर रहे हैं वो गाइड करते हैं। और फेसबुक में भी काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा और वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे भी क्वेरी पोस्ट करने से आपको गाइडेंस मिलती है। तो ये हुआ आपका सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। उसके बाद रिविज़न करना पड़ता है, तो रिविज़न करने के लिए तो चाहे वो क्लास लिए हो चाहे कोई क्लास ना लिए हो, वो काम तो अपने आप ही करना पड़ता है, वो काम हमेशा अपने आप ही करना पड़ता है। उसके लिए भी बहुत सारे रिविजन वीडियोस, मैराथन वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल्स में मिलेंगे। रिविजन में बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जितना भी पास पेपर्स है, जितना भी मॉक टेस्ट पेपर है, जितना भी रिविजन टेस्ट पेपर है इंस्टीट्यूट की साइट पर, सब सॉल्व करने ज़रूरी हैं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो दोस्तों, सीए फाउंडेशन का स्ट्रक्चर यही है, और अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह का और एडवांस लेवल का गाइडेंस चाहिए और भी कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो बेझिझक आप एसजेसी इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करें। ये रहा हमारा नंबर, इस नंबर पे आप जैसे ही मिलाएंगे हमारे काउंसलर्स आपसे बात करेंगे, जो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे कि किस तरह से आपको सीए फाउंडेशन कि पढ़ाई को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से आप एक बार में सीए बन सकते हैं। और भूलिएगा नहीं कि आप इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम लगातार आपको सीए के डिफरेंट लेवल्स के लिए गाइडेंस वीडियोस बना बना कर देते रहते हैं। थैंक यू, दिस इज सीए सतीश जलान, प्लीज़ बी इन टच, सी यू सून।